मंदिर निर्माण को लेकर उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के अरवानपुर स्थित किसान इंटर कॉलेज में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा शंखनाथ जनसभा में एक और कांग्रेस को कोसा गया तो दूसरी ओर राम मंदिर को लेकर किसी भी हद तक जाने की बात कही। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के अगवानपुर स्थित किसान इंटर कॉलेज में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा जनसभा में राम मंदिर निर्माण को लेकर पंचायती महानिर्माण अखाड़े से जुड़े स्वामी असीमानंद ने राम मंदिर निर्माण की बात करते हुए कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथ लिया। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के मंच से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का नया नामकरण कर डाला। स्वामी असीमानंद ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री का एक बेटा विदेश से शादी करके एक अंग्रेजन ले आया, उनका जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम राहुल गांधी है। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा परिवार जिसे भारतीय संस्कृति के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। उन्होंने कहा कि राम जन्म स्थली अस्तित्व की लड़ाई है। क्या भारत में अन्य धर्मों के लोगों को अय्याशी करने के लिए सैकड़ों एकड़ जमीन दी जा सकती है और राम जन्मभूमि के लिए सबूत मांगे जा रहे हैं। मंच से सभी वक्ताओं ने नारा लगाया कि राम मंदिर अभी नहीं तो कभी नहीं, राम मंदिर के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसके बाद भी किसी राजे रजवाड़े ने भारत में ऐसा कोई बोर्ड नहीं लगाया कि भारत में विदेशी लोगों का आना मना। उसके बावजूद भी 50 साल पहले प्रधानमंत्री का लड़का गया विदेश से शादी करके एक अंग्रेजन को ले आया और गौ के दूध में तेजाब मिलाने से जो चीज पैदा होती है उसका नाम राहुल गांधी है। विनम्र प्रार्थना है कि आप अपनी आस्था को दृढ़ करते हुए, संगठित करते हुए मन में संकल्प बना लीजिए कि राम मंदिर को बनाने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे और मंदिर भव्य बनाएंगे। जय श्री राम। न्यूज़ पीके के लिए मुरादाबाद से शाहरुख हुसैन की रिपोर्ट।